नाउ वी हैव थ्योरम 1.22.9 द डेराइव्ड सेट ऑफ एन इनफाइनाइट बाउंडेड सेट इज बाउंडेड। तो प्रूफ देखिए, तो हम ले लेते हैं कि इनफाइनाइट बाउंडेड सेट ले लेते हैं। लेट ए बी एनी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट ऑफ रियल्स। अब ये हमने बाउंडेड सेट लिया है, इसका मतलब इसकी बाउंड्स होंगी। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट रियल नंबर्स, हमने ले लिए के वन एंड के टू, सच दैट के वन इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू के टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। अब हम बात करते हैं डराइव्ड सेट ऑफ ए की। अब देखिए, ये सेट हमारे पास इनफाइनाइट और बाउंडेड सेट है, इसका मतलब इसका लिमिट पॉइंट तो जरूर होगा, यानी जो डराइव्ड सेट है वो नॉन एम्प्टी आएगा। तो सिंस ए इज इनफाइनाइट बाउंडेड सेट ऑफ रियल्स, तो देयरफॉर बाय बोलजानो वीयरस्ट्रास थ्योरम जो डी ए आएगा वो आपके पास आएगा नॉन एम्प्टी। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो डी ए है वो भी बाउंडेड है, तो वी हैव टू प्रूव दैट कि डी ए इज ऑल्सो बाउंडेड। तो देखिए, हमने ए की बाउंड्स ली थी के वन और के टू, तो वही हम इसकी बाउंड्स प्रूव कर देंगे। तो वी क्लेम दैट के वन एंड के टू आर द बाउंड्स ऑफ डी ए ऑल्सो। इन डी ए का हर एक एलिमेंट, दैट इज ए का हर एक लिमिट पॉइंट के वन और के टू के बीच में लाइक रहेगा। तो हम मान लेते हैं इसका उल्टा, कि के टू से बड़ा या के वन से छोटा कोई लिमिट पॉइंट हो ए का, तो लेट इफ पॉसिबल वाई इज एनी लिमिट पॉइंट ऑफ ए सच दैट कि y इज ग्रेटर देन k2, यानी हमने इस k2 से बड़ा हमने कोई लिमिट पॉइंट मान लिया a का। देयरफॉर हम इस y के लिए एक ओपन इंटरवल बनाते हैं, हमने लिया k2 से लेकर के और y प्लस वन तक, ये ओपन इंटरवल हो गया जो कंटेन करेगा इस y को। तो देयरफॉर दिस इज ए नेबरहुड ऑफ y, बट ये जो नेबरहुड है y का नेबरहुड तो है, लेकिन देखिए इसमें ए का एक भी एलिमेंट नहीं है, बट दिस नेबरहुड कंटेन्स नो एलिमेंट ऑफ ए। लेकिन अगर लिमिट पॉइंट है तो इसका मतलब कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए था ए का अदर देन वाई, लेकिन इसमें तो ए का एक भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब जो हमने लेट किया था ही पॉसिबल वो हमने गलत लेट किया। देयरफॉर आवर पोजीशन इज रॉन्ग, देयरफॉर वाई इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए वेयर वाई इज ग्रेटर देन के टू। दस यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि कोई भी रियल नंबर विच इज ग्रेटर देन के टू इज ए लिमिट पॉइंट, यानी कोई भी के टू से बड़ा रियल नंबर लिमिट पॉइंट नहीं है। सिमिलरली वी कैन शो दैट कि नो रियल नंबर विच इज लेस देन के वन वो एक लिमिट पॉइंट हो ऑफ ए।
दस यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि हमारे पास इंटरवल बन गया के वन टू के टू, इसी के अंदर सारे लिमिट पॉइंट्स हैं, कंटेन्स ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए, दैट इज के वन इज लेस देन इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू के टू फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू डी ए, यानी जितने भी एक लिमिट पॉइंट सब वो सारे सारे के वन के टू बीच में लाइक कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या शो हो गया कि डी ए इज बाउंडेड सेट, हैंस डी ए इज ए बाउंडेड सेट, तो ये हमने प्रूव कर दिया। नाउ वी हैव थ्योरम 1.23.1 कि क्लोजर ऑफ ए सेट ए इज ए सुपरसेट ऑफ ए, तो इसमें प्रूव करना है कि जो क्लोजर ऑफ ए होता है दैट इज कि ए बार वो ए का सुपरसेट होता है, दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट कि ए इज ए सबसेट ऑफ ए बार, तो हम एक एलिमेंट ए बार में शो कर देते हैं, तो लेट पी बिलोंग्स टू ए बी आर्बिट्रेरी, देयरफॉर फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव पी बिलोंग्स टू पी माइनस में एप्सिलॉन टू पी प्लस एप्सिलॉन, तो पी इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, तो देयरफॉर पी बिलोंग्स टू ए में भी है पी और इस इंटरवल में भी है पी, तो इसका मतलब क्या है, नॉन एम्प्टी आ गया, दिस इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन पी माइनस एप्सिलॉन टू पी प्लस एप्सिलॉन इज नॉट इक्वल टू फाइव, तो यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है कि पी इज एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए, तो इसका मतलब क्या आया कि पी बिलोंग करेगा फिर ए बार को, और हमने पी एलिमेंट लिया था ए का, तो हमने प्रूव कर दिया कि ए इज ए सबसेट ऑफ ए बार। नाउ वी हैव थ्योरम 1.23.2 कि शो दैट क्लोजर ऑफ ए सेट इज ए क्लोज्ड सेट, यानी जो क्लोजर होता है वो क्लोज सेट होता है, तो प्रूफ देखिए, हम एक सेट ले लेते हैं, सो क्लोजर ले लेते हैं, लेट ए बी एनी सेट एंड ए बार बी इट्स क्लोजर, तो वी हैव टू शो दैट कि ए बार इज ए क्लोज्ड सेट, तो इसको प्रूव करने के लिए हम प्रूव करेंगे कि जो ए बार का कंप्लीमेंट है वो ओपन सेट है। नाउ लेट एक्स बिलोंग्स टू कंप्लीमेंट ऑफ ए बार, तो हम इसको ओपन प्रूव करेंगे, तो इसके लिए हम इसको एक्स का नेबरहुड प्रूव करेंगे, बी आर्बिट्रेरी, तो दिस इंप्लाइज कि एक्स बिलोंग्स टू आर बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए बार, तो देयरफॉर एक्स इज नॉट एन एडहेरेंट पॉइंट ए, क्योंकि ए बार में अगर होता तो इसको एडहेरेंट पॉइंट बोलते, अब ए बार में नहीं है तो एडहेरेंट पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई ना कोई ऐसा नेबरहुड आया है एक्स का जिसमें ए के साथ कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट एक्स माइनस में एप्सिलॉन टू एक्स प्लस में एप्सिलॉन इट्स इंटरसेक्शन विद ए इज इक्वल टू फाइव, इसको हम नंबर वन मान लेते हैं, तो हम इस ओपन इंटरवल को इसका सबसेट दिखाएंगे ताकि हम ये प्रूव कर सकें कि ये एक्स का नेबरहुड है, तो इसका एलिमेंट लेके चलते हैं। नाउ लेट वाई बिलोंग्स टू एक्स माइनस एप्सिलॉन टू एक्स प्लस एप्सिलॉन बी आर्बिट्रेरी, देयरफॉर एक्स माइनस में एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन इज ए नेबरहुड ऑफ वाई, क्योंकि ये हमारे पास एक ओपन इंटरवल है और ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है और वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है, इसलिए इस वाई का भी नेबरहुड है, एंड फ्रॉम वन दिस नेबरहुड
ऑफ वाई कंटेन्स नो पॉइंट ऑफ ए, क्योंकि इस नेबरहुड और इस ए का इंटरसेक्शन एम्प्टी है, मतलब इसमें इस ए का कोई भी पॉइंट नहीं है। इसका मतलब क्या बना कि जो वाई है वो ए का एडजेसेंट पॉइंट नहीं है। देयरफॉर वाई इज नॉट एन एडजेसेंट पॉइंट ऑफ ए, दैट इज कि वाई डज नॉट बिलोंग टू ए बार। तो दिस इम्प्लाइज कि वाई बिलोंग्स टू ए बार के कंप्लीमेंट। और देखिए, मैं वाई एलिमेंट लिया था हमने इस इंटरवल का आर्बिट्रेरी एलिमेंट, और वो हमने दिखा दिया इसमें। तो देर फोर एक्स माइनस में एप्साइलन टू एक्स प्लस में एप्साइलन सबसेट ऑफ ए बार कंप्लीमेंट। तो यहाँ से प्रूव हो रहा है कि ये नेबरहुड है एक्स का और वो सबसेट आया इसका। इट मीन्स दिस इज नेबरहुड ऑफ एक्स। दिस शोज दैट ए बार इट्स कंप्लीमेंट इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स, बट एक्स बिलोंग्स टू ए बार कंप्लीमेंट वाज आर्बिट्रेरी। और ये आर्बिट्रेरी था, इसका मतलब ये अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है, इसलिए ये क्या बन गया, ओपन बन गया। तो देर फोर ए बार कंप्लीमेंट इज ओपन, हैंस ए बार इज क्लोज्ड। तो इसलिए ये बार क्लोज सेट बन गया।